नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने चैनल के एक और वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का जो वीडियो है ये भी है एक वीडियो ऑन डिमांड, और इस वीडियो को बनाने की जो डिमांड आई है वो आई है मेरी एक सब्सक्राइबर जिनका नाम है ममता साहू जी। तो ममता साहू जी अपने कमेंट में पूछती हैं कि सर, होम्योपैथिक दवा की एक्सपायरी डेट कितनी होती है? पहली चीज, मतलब शी इज आस्किंग अबाउट द एक्सपायरी डेट ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन। प्लीज डिटेल में वीडियो बनाइए। अगर स्टोर करना हो तो प्लास्टिक की बॉटल सही है या कांच की बॉटल? और उसके बाद ये कहती हैं कि होम्योपैथिक दवाओं की जो दुकान होती है जनरली वो जो होते हैं प्लास्टिक की बॉटल में डिस्पेंसिंग करते हैं, और वो कितना सही है। तो ये हो गया कमेंट ममता जी का। प्लस विद्या जी, उनने भी एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में कुछ इसी से मिलता जुलता कमेंट करा है, और वो जानना चाहती हैं कि सर, आप किस तरह से होम्योपैथिक दवाओं की डिस्पेंसिंग करते हो। वो मुझसे पूछ रही हैं कि सर, आप किस तरह से दवाओं को स्टोर करते हो, डिस्पेंस करते हो। और उनका दूसरा सवाल है कि जिस तरह से आजकल डॉक्टर होम्योपैथिक फॉइल में, प्लास्टिक की शीशी में ऑलरेडी ग्लोब्यूल्स भर के रखते हैं, और उसके बाद पेशेंट आने के बाद वो फॉइल निकालते हैं और अप्रोप्रिएट डाइल्यूशन उसके अंदर डाल के पेशेंट को देते हैं, ये कितना सही है। तो चलिए इसी बारे में आज बात करते हैं। तो सबसे पहले ममता साहू जी का पहला सवाल कि होम्योपैथिक दवा की एक्सपायरी क्या होती है कि नहीं होती है। ममता जी, होम्योपैथी की एक्सपायरी ना होती थी, होती नहीं थी, पर बीच में होने लग गई और अब फिर से नहीं होती। इसका मतलब ये है कि इनिशियली देयर वॉज नो एक्सपायरी डेट ऑन द होम्योपैथिक मेडिसिन, बट भारत के अंदर रूल करने वाला ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट 1971, उसके अंदर कुछ बातें थी जिसके बाद भारत सरकार के आदेश के बाद होम्योपैथिक दवाओं के ऊपर 5 साल की एक्सपायरी डेट आया करती थी, कि फ्रॉम द डे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग से 5 साल तक के लिए उसको वैलिड माना जाता था, उसके बाद उनको एक्सपायर्ड माना जाता था। पर कुछ समय पहले, शायद 1-1.5 साल पहले, एक सुप्रीम कोर्ट में इसी चीज़ को लेके होम्योपैथिक एसोसिएशन ने केस लगाया था कि आप हमारे दवाओं की एक्सपायरी नहीं होती है, इसलिए आप उसके ऊपर से एक्सपायरी डेट हटा दीजिए। और ये केस वो लोग जीत गए थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उनने सिद्ध कर दिया था कि हाँ, होम्योपैथिक दवाओं की एक्सपायरी डेट जैसा कुछ नहीं होता, और अब होम्योपैथी की दवाओं पर एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो ये तो रहा, मैंने आपको हिस्ट्री बताई कि भाई इसकी होती थी कि नहीं होती थी, ये तो मतलब कानूनी बात हुई। अब रियली में अपन बात करें तो क्या एक्सपायरी डेट होती है या नहीं होती है, कि डाइल्यूशन की होती है कि गोलियों में बनी हुई दवा की नहीं होती है? देखिए, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती होम्योपैथिक मेडिसिन की, बट सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन आर अप्लाइड ऑन इट। मतलब वो मैं आगे बताऊंगा कि उन दवाओं को किस तरह से, उसका जो जवाब है कि एक्सपायरी होती है या नहीं होती है, वो आपके दूसरे सवाल के अंदर छुपा है जो आपने करा है कि उनको प्लास्टिक की बॉटल में स्टोर करें या कांच की बॉटल में स्टोर करें। तो जी हाँ, अगर आप उनको ग्लास बॉटल में स्टोर करके रखते हैं मेडिसिन को, प्लस वो ग्लास बॉटल प्लेन नहीं होगी, वो ग्लास बॉटल होगी ब्राउन कलर की, इसको बोलते हैं अंबर कलर। अगर आप इस कलर की कांच की बॉटल के अंदर होम्योपैथिक दवाओं का स्टोरेज करके रखते हैं तो जी नहीं, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। और यही वजह से है कि होम्योपैथिक डाइल्यूशन, जैसे कि ये बेराइटा कार्ब का डाइल्यूशन, ये बेराइटा कार्ब की शीशी है ना, ये दवाइयां हमेशा ब्राउन कलर, मतलब अंबर कलर की ग्लास बॉटल में ये दवाएं इसलिए आती हैं कि इनकी एक्सपायरी डेट ना डालनी पड़े, क्योंकि जो सनलाइट होती है, जो इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज होती है, वो कहीं ना कहीं इसकी एक्सपायरी को सुनिश्चित कर देती हैं। पर अगर आपने इसको कांच की, ब्राउन कांच की बॉटल के अंदर रखा जिसके अंदर सूरज की किरणें डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगी, तो ये जो है इनकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पहली बात का सवाल। अब आपकी दूसरी बात, कांच की बॉटल या प्लास्टिक की बॉटल। ऑब्वियस है सवाल का जवाब, बिल्कुल ऑब्वियस है कि हाँ, कांच की बॉटल, क्योंकि हमको इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखना है। देखिए, एक छोड़, अगर आप ये बात कर रही हैं कि भाई पेशेंट को अगर हम इसमें दे रहे हैं, ये प्लास्टिक की बॉटल है ना, अगर पेशेंट को हम इसके अंदर दवा दे रहे हैं तो ये फिर भी चल जाएगा, क्योंकि वो पेशेंट को ये सिर्फ 15 दिन रहेगी उसके पास, वो सिर्फ 15 दिन के अंदर इनको खा के खत्म कर देगा। तो 15 दिन के अंदर प्लास्टिक में रहने का कोई हर्ज नहीं है, कोई परहेज नहीं है। वैसे देना आपको उसको
चाहिए हम लोगों को कि हम उसको भी कांच की बोतल में रहें, पर उसकी अलग प्रॉब्लम है। क्या है, कांच की बोतल है, जेब में आजकल जीन्स पहनते हैं लोग, अगर वो जीन्स की 3 बोतल 2 बोतल जेब में रख के बाइक पे बैठा और बैठने उतरने में जेब में फूट गई तो खूना खच्चर हो जाएगा। वो खाते खाते कई बार शीशियाँ गिर जाती हैं हाथ से, अगर कांच की शीशी गिरी तो वो बचने वाली नहीं है। बच्चों बच्चे सबके घर होते हैं, पेशेंट अगर दवा लेके जाएगा और बच्चों के हाथ में लग गई वो खेल डालेंगे फोड़ डालेंगे। तो कांच की बोतलों की अपनी समस्याएं हैं। एक्चुअली क्या है ना, अब क्योंकि हमको सिर्फ 10 से 15 दिन उसको दवा खिलानी है तो हमको 10 से 15 दिन में सोचने की जरूरत नहीं, अब बिंदास प्लास्टिक में दो। पर हाँ, इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द लॉन्ग 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 स्टोरेज ऑफ द मेडिकेशन देन, अब देखो डाइल्यूशन तो ऑलरेडी, डाइल्यूशन को स्टोरेज का कोई वादा नहीं है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ब्राउन कलर की कांच की बोतल में दे रही है। अब आप बात आ रही है आपकी, तो जो सबसे सही तरीका, अब मैं आ जाता हूँ दूसरा। अब ये मैंने ममता जी के दोनों सवालों का जवाब दे दिया कि भाई एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं होती, मैं ये बता चुका हूँ, और मैं ये भी बता चुका हूँ कि कांच की बोतल जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है स्टोरेज करने के लिए। हाँ, पेशेंट को उसमें डिस्पेंस कांच की ग्लास बॉटल में करना है नहीं करना है, दैट कैन बी द चॉइस ऑफ द केमिस्ट और डॉक्टर, वो डॉक्टर और केमिस्ट की चॉइस हो सकती है वो, है ना। ऐसे लाखों डॉक्टर हैं जो प्लास्टिक में देते हैं, ऐसे लाखों डॉक्टर हैं जो कांच में भी दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, है ना। तो वो उनकी चॉइस है, वो उनके ऊपर है कि वो क्या करना चाहते हैं, उसके लिए अपन कोई कमेंट में नहीं कर रहा। अब विद्या जी के कमेंट पे आ रहे हैं, विद्या जी ने बोला था आप कैसे स्टोर करके रखते हो, तो दोस्तों आप मेरे पीछे ये वाला सेक्शन देखिए, ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे पूरे डाइल्यूशन है, आप देख रहे हो ना, सारी एक जैसी ब्रांडेड चीजें हैं, सबके ऊपर एक ही टैग लगा है, ठीक है ना, एक जैसा ढक्कन है। पर ये जो है, मैं अपनी सारी दवाओं को बेसिकली मैं हमेशा से इसमें बना के रखता हूँ, एक 60 ml की कांच की शीशी में मैं मेडिसिन को प्री प्रिपेयर करके रखता हूँ। जब पेशेंट आता है तब मैं इसको खोलता हूँ, और इसको खोलने के बाद मैं ये कांच प्लास्टिक की फाइल के अंदर उसको दे के मैं लेबल लगा के दे देता हूँ। मैं कभी भी पेशेंट को, अब विद्या जी ने मुझसे पूछा ना कि कैसा तरीका, तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ। मैं कभी भी पेशेंट को मैं डायरेक्ट फॉइल के अंदर जो ऑलरेडी भरी हुई शक्कर की गोलियां और शुगर ग्लोब्यूल्स होते हैं, डॉक्टर साहब डाइल्यूशन उतारते हैं, पट्ट से डाल देते हैं, पूरा उसको पूरा गीला कर देते हैं, फिर पेशेंट को देते हैं, मैं इस वाले तरीके की घोर निंदा करता हूं। और ये बिल्कुल गलत तरीका है डिस्पेंसिंग का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये क्यों सही नहीं है, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इधर या इधर कहीं पर भी कार्ड आ जाएगा उसमें देख लेना, करेक्ट वे टू डिस्पेंस द होम्योपैथिक मेडिसिन, इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। और उस वीडियो के अंदर मैंने ये भी बताया है कि किस लॉ का उल्लंघन आप करते हो अगर आप इस तरीके से, और कई महान महानुभाव डॉक्टर हैं जो सीधे सीधे ये जो डाइल्यूशन है ये डाइल्यूशन को ड्रॉपर में दे के पेशेंट को पीने के लिए दे देते हैं। तो भाई ऐसा मत करिए, थोड़ी तो इज्जत रख लो होम्योपैथिक फील्ड की। और मेरा तुम सबसे सवाल है, चाहे तुम मेरे से छोटे हो चाहे तुम मेरे से बड़े हो, पहली चीज़ तुम सब गलत हो, ये डाइल्यूशन पिलवाया नहीं जाता गधों, ये जो है ये खिलवाया जाता है, ये गोलियों में खिलवाया जाता है। और दूसरा सवाल है, आपने कहाँ पे देखा ये, कहाँ लिखा था ये, जो गलत तरीके से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो फिर रोते हो कि रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट नहीं आया, घंटा आएगा रिजल्ट, कहाँ से आ जाएगा रिजल्ट, जब साइंस के बेसिक लॉ ही फॉलो नहीं करोगे तो फिर साइंस के अंदर रिजल्ट आएगा कैसे, आप ये बताओ ना मेरे को। मेरा सवाल है कहाँ लिखा था ये, कहाँ लिखा है मेरे को दिखाओ, किसी भी एक डॉक्टर ने कमेंट सेक्शन में आके बता दो कि लिक्विड कोई पिलवाता हुआ कहीं पे लिखा है किसी सिद्धांत में, होम्योपैथी फिलोसफी में, तो मैं अपना तरीका बदल दूंगा, ठीक है ना। अब जल्दी वीडियो को जरूरत से ज़्यादा ड्रैग नहीं करते हैं। देखिए, तो आपको मैंने बताया, मैं पहली बात तो मेडिसिन को तैयार रखता हूँ, जितने भी मेरे पास डाइल्यूशन है सबका एक कॉपी मेरे पास ये मेडिसिन के रूप में है, मेडिसिन मतलब ग्लोब्यूल के फॉर्म में भी एक कॉपी में रखता हूँ मैं, पेशेंट के सामने दवा नहीं बनता भरता, मतलब भरता जरूर हूँ, इससे निकाल के रिफिल करके उसको देता हूँ, बट मैं एकदम फ्रेश मेडिसिन देने में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि हमेशा पुरानी किताबों के अंदर ये लिखा हुआ है कि द मेडिसिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ ड्राई ग्लोब्यूल लिखा है, ये गधे नहीं थे हैनीमैन और ये बड़े बड़े पायनियर, उनने सबने ड्राई ड्राई फॉर्म लिखा है, पुराना लिटरेचर ढंग से पढ़ो तो दिखेगा। ड्राई फॉर्म का मतलब क्या है, ड्राई फॉर्म का मतलब है कि ये दवा जब बनेगी इसको मैं डाइल्यूशन डाल के अभी आपको बना के बताऊंगा, इसको तुरंत देना भी सही नहीं मानते थे पुराने प्रैक्टिशनर, वो बोलते थे इसको 4-6 दिन रखो जिससे इसका अल्कोहल उड़ जाए,
और जब अल्कोहल उड़ जाएगा ना, तो जो अंदर बचेगा, जो मेडिसिन की स्पिरिचुअल और मेडिसिनल प्रॉपर्टी, वो ग्लोब्यूल में 25-30 साल के लिए ट्रैप हो जाएगी, और ये दवा फिर बहुत अच्छा काम करती है। तो इसलिए मैं लिक्विड तो भूल जाओ, लिक्विड तो मैं अपने मर जाऊंगा जीते जी, पर मैं लिक्विड तो कभी देने की सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट मैं ताजी बिल्कुल शुगर ग्लोब्यूल की फॉइल के अंदर, जिस तरह से ये आप डाइल्यूशन डाल के पेशेंट को देते हो, मैं इस तरीके का भी विरोधी हूं, मैं ये भी नहीं करूंगा। मैं क्या करता हूं, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब यह है 60 ml की शीशी, ये देखिए आप बेराइटा कार्ब लिखा हुआ है इसके ऊपर, बेराइटा कार्ब की है या इसका 60 ml है साइज, ये 60 ml है, ठीक है ना। ये जो है डाइल्यूशन की, जो जनरली हम लोग क्लिनिक में बॉटल यूज करते हैं, 100 ml होती है, तो लगभग इसकी आधी है 60 ml। अब 60 ml, अब मैं अपना जो ग्लोब्यूल्स होता है, ये है, इसको हम सब जानते हैं, ये है मैगी की खाली बॉटल, मैगी टोमेटो सॉस की खाली बॉटल है, ये ग्लास की है। मैं अपना ग्लोब्यूल को भी कांच में ही स्टोर करके रखता हूँ, जब मेरे को कंपनी से सप्लाई आती है तो मैं इसको कांच में स्टोर करके रखता हूँ। मैं इनफैक्ट वो पॉलीथीन में ग्लोब्यूल आते हैं, मैं उसमें भी नहीं रखता इनको, है ना। अब मैंने ये लिया और मैंने इसको डाला है इस 60 ml की कांच की शीशी के अंदर, ठीक है। अब आप गौर से देखिएगा, मैंने इसको उतना छोड़ दिया है, इतना मैंने क्यों छोड़ा, ऊपर तक नहीं भरा, कि मैं डाइल्यूशन डाल दूं तो डाइल्यूशन डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर सकूं, मिक्सिंग कन्वीनियंस के लिए मैंने ऐसा किया। अब मैंने डाइल्यूशन बेराइटा कार्ब 200 को खोला, अब मैं काउंट करके 30 ड्रॉप डालना है। अब आप लोग ये सोचोगे 30 ड्रॉप बहुत होते हैं भाई साहब, और ये आज से नहीं डाल रहा हूँ, ये तरीका वेल टेस्टेड है, 14 साल से तो मैं खुद कर रहा हूँ, मैं खुद ये 14 साल से इसी तरीके से डिस्पेंसिंग कर रहा हूँ, और जिनसे मैंने होम्योपैथी सीखी है उनकी उम्र आज 80 साल है, उनकी उम्र आज 80 साल है, एंड वो इस तरीके से 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है ना, मेरे 14 और उनके 50 मिला लो तो लगभग 65 ईयर्स का तरीका ही है, मतलब 65 साल पुराना वेल टेस्टेड तरीका। इससे आपका अगर प्रिस्क्रिप्शन सही है तो अनकंडीशनली दवा काम करेगी, है ना। अब इसमें कुछ नहीं करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 बस। देखिए दोस्तों, 30 ड्रॉप्स इज सफिशियंट फॉर दिस पर्पस, है ना। अब इसको मैंने 30 ड्रॉप मिलाया, ढक्कन लगाया, और इसको हर दिशा के अंदर जितनी भी एक्स वाई जेड तीन एक्सेस होती है, तीन डायमेंशन की, उन तीनों एक्सेस के ऊपर इसको बेहतरीन से आप इसको शेक करिए, क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, ऊपर से नीचे से, हर तरीके से। इसको कम से कम आपको 2 से 3 मिनट इस कार्यक्रम को करना है, कम से कम 1.5 से 2 मिनट आपको इसको शेक करना है, और ये बस ये हो गया। अब नाउ ये जो मेडिसिन है, ये बेराइटा कार्ब का सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव फॉर्म है जिसके अंदर आपको डिस्पेंस करना है। जो मेरे डॉक्टर बंधु वो फॉइल वाला तरीके से डिस्पेंसिंग कर रहे थे आजकल, आज तक, तो दोस्तों थोड़ा सा मेहनत का काम है, क्योंकि अगर आप मान लो 100 दवाएं यूज़ करते थे तो आपको ऐसी 100 शीशियां लानी पड़ेंगी, 100 के अंदर ग्लोब्यूल्स भरने पड़ेंगे, 100 की 100 शीशी पे लेबल लगाने पड़ेंगे, फिर 100 शीशियों के अंदर दवा डालनी पड़ेगी, फिर 100 शीशियों को आपको शेक करना पड़ेगा, फिर 100 शीशियों के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक जगह जहाँ पर आप इसको रखोगे। पर दोस्तों एक बार इस तरीके से डिस्पेंसिंग करना सीखिए, आपके रिजल्ट्स बेसिकली 2 गुने से भी बेटर हो जाएंगे। आपको ये देखना है, आप ये देख के बताइएगा मुझे, और मैं चैलेंज कर रहा हूँ उस चीज़ का, कि जितने अच्छे रिजल्ट्स आपके इस तरीके के डिस्पेंसिंग के आ रहे हैं ना, क्योंकि देखिए रिजल्ट तो आ जाते हैं। देखो थोड़ी भी ठीक दवा है, दवा हमेशा काम करती थी, हमेशा याद रखो, आप उसकी कोई भी पोटेंसी दे दोगे, मदर टिंचर में दे दोगे या CM में दे दोगे, चाहे आप उसको लिक्विड पिला दोगे, चाहे आप ग्लोब्यूल्स में दे दोगे, या शुगर ऑफ मिल्क के अंदर बूंद डाल के डिस्पेंस कर देंगे, दवा काम करती है कंडीशनली अगर वो केयरफुली और वेल सिलेक्टेड है। बट उसका काम करने का डेप्थ और ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर आपका डिस्पेंसिंग का तरीका इस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ होम्योपैथी, क्योंकि जो लिक्विड पिला रहे हो वो बिल्कुल होम्योपैथिक लॉ के अगेंस्ट है। वीडियो में देख लेना ऊपर जाके, जो मैंने आपको बताया है करेक्ट वे टू डिस्पेंस द होम्योपैथिक मेडिसिन, वहाँ पे गूगल के अंदर मैंने सर्च करके बताया कि जो तरीका है वो गलत है, वो कौन से लॉ का उल्लंघन हो रहा है वो भी बताया। प्लस ये जो आप गीली मेडिसिन बना कर देते हो फॉइल के अंदर, जो बूंदे डाल के देते हो, ये भी गलत है। ये इसलिए गलत है क्योंकि शुरू शुरू में पेशेंट ज़्यादा डोज खा रहा है, क्योंकि उसमें गीली दवा है,
अब मैंने 30 बूंद डाल के 60 ml की शीशी तैयार करी, तुम लोग 15 बूंद डाल के 5 ml की शीशी तैयार करते हो, तो गलत नहीं है, वो गलत है। वो जिसको आप लिक्विड को दवा समझते हो वो दवा नहीं है, वो तो व्हीकल है, वो अल्कोहल है, रेक्टिफाइड स्पिरिट है भाई। वो व्हीकल के अंदर जो होती है अल्कोहल अपनी प्रॉपर्टियों को गैदर करके रखता है और उसको उड़ जाने के बाद इन गोलियों में वो प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये सही तरीका है दवा देने का कि किस तरह से देना चाहिए। और ये था डिस्पेंसिंग के ऊपर एक छोटा सा एक और वीडियो, जिसके अंदर मैंने अपने दो सब्सक्राइबर विद्या जी और ममता जी के सवालों के जवाब दिए, और उम्मीद है इससे आपको भी डिस्पेंसिंग के बारे में, देखिए होम्योपैथी की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बारीक साइंस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बारीकी से, बहुत माइन्यूटली ये काम करता है। और इसी वजह से होम्योपैथी के अंदर जितने भी सिद्धांत बताए गए हैं हमको सबका पालन करना है। हमको मेडिसिन के सिलेक्शन से लेके उसके पीछे का मायाजमेटिक थ्योरी, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, फार्मेसी में कौन सा सिद्धांत यूज़ हो रहा है, प्लस डिस्पेंसिंग किस तरीके से बताई गई, हमने सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ा, हमने बहुत अच्छा थ्योरी पढ़ा, बहुत अच्छी मटेरिया मेडिका, बहुत बढ़िया रिपर्टराइज करा, है ना, हमने केस टेकिंग एक नंबर करी, सब कुछ झगा धांसू काम करा। पर एक बात बताओ, अगर अंत में दवा ही सालों गलत तरीके से देंगे हम, आप बताइए, अगर दवा देते वक्त ही गलत तरीका हम यूज़ करेंगे, तो हमने जो इसको देने के पहले जितनी भी R&D करी थी वो किस काम की। तो दोस्तों इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, बहुत जल्द आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।